बिजी, मैथ से बिजी। अरे फुल है। यूजुअल सीबीएसई के पेपर बहुत आसान आते हैं। रात को तो मेरे रोने निकल चुके थे। हाय, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज गर्वित। हाउ वाज योर अकाउंट्स पेपर? एज यूजुअल, बहुत बढ़िया। एज यूजुअल बहुत इजी था पेपर? इजी तो बहुत था, लेकिन जब पेपर देखा तो आई वाज लाइक ओके सैटिस्फाइड, बट लेंथी बहुत था ऑब्वियसली। कैलकुलेशंस की वजह से लेंथी था? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे एंड थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे पढ़ने में, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये नहीं कहूँगा पेपर बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा मेरे को टाइम लगा करने में, 2.5 घंटे में हुआ मेरा पेपर खत्म, और कैश फ्लो में एक दो मेरे एरर आ रहे हैं, बाकी पेपर ओवरऑल काफ़ी मतलब मीडियोकर कहूँगा मैं। हमारी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज तो काफ़ी आसान आई थी, सारे सेम आ रहे थे, एमसीक्यूज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आए थे, क्वाइट इजी। तो पीवाईक्यूज री रिपीट हुए थे? हाँ, सैम्पल पेपर्स, हाँ सब कुछ, पीवाईक्यू भी, हाँ। कैलकुलेशंस ठीक थी? हाँ, ईजी थी, काफ़ी ईजी थी, मतलब लेंथी पेपर नहीं था? नहीं था। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? मैंने टीएस ग्रेवाली कही थी, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स एंड ऑल। अच्छा, और डिबेंचर शेयर से जो कंपैरेटिव कॉमन साइज से जो क्वेश्चंस आते हैं वही आए थे? हाँ, जर्नल एंट्रीज आई थी, जो कि काफ़ी बेनिफिट भी हो गया, इजी भी हो गया, इजी पेपर था, बहुत अच्छी कैलकुलेट। और पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी हो गए थे, ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं था। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रिपरेशन के लिए अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स तक तो तुम टीएस ग्रेवाल वगैरह फॉलो करो, उसके बाद जितने सैम्पल पेपर करोगे उतना बढ़िया होगा। सैम्पल पेपर का पैटर्न वही था जो सार एग्जैक्ट पैटर्न में आता है, जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ होता है उसी एग्जैक्ट फॉर्मेट के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे। मैंने अराउंड 15-20 सैम्पल पेपर करे थे, सबके अंदर सेम फॉर्मेट था। ऐसा कोई शॉकिंग पार्ट तो मेरे को लगा नहीं, कोई ऐसे यूनिक एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं आया, सब वही आया जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक्सपेक्टेड था। हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते थे, अगर किसी ने अच्छे से सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करें तो उससे हो जाएगा पेपर। इसके लिए कॉमन सेंस ही काफी है इसके लिए तो। कोई शॉकिंग? ये शॉक था कि इजी काफी आ गया। क्या है? प्रिंस कुमार। अकाउंट्स का पेपर कैसा गया? बहुत इजी था, लेंथी था लेकिन हो गया। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा थी? यस, कैलकुलेशन बहुत थी इसमें। और डिबेंचर से क्वेश्चन आया था? डिबेंचर से आया था, वही रिडेम्पशन वाला, बहुत इजी था वो भी। और पार्टनरशिप? पार्टनरशिप से फंडामेंटली क्वेश्चन एडमिशन। और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी? मैंने स्टार्टिंग के फ्यू डेज में मैंने अपने कोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और लास्ट के दो दिन में अपने मैंने सैंपल पेपर्स। और जो पीवाईक्यू से रिपीट टॉपिक्स होते थे वो आए थे? वो आए थे काफ़ी सारे डिफ स्टेटमेंट में, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस शीट आ गई, वो बैलेंस शीट नहीं आई, ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी बैलेंस शीट की होती थी, लेकिन इसमें आ गया था रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस वाला। पेपर बहुत आसान था, बहुत बहुत आसान था इकोनॉमिक्स से।